सुशील केडिया जुड़ गए हैं अब हमारे साथ और उनसे बात करते हैं इस मार्केट पर क्या स्ट्रेटजी रहेगी। सुशील गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले तो मार्केट पर अपना व्यू दीजिए, इस समय एक बुलेट ट्रेन की तरह ये मार्केट चल रही है, यहाँ पर क्या व्यू होगा? तो देखिए मार्केट में पहले अगर हम इंडेक्स की बात करें, जो अपेक्षित करेक्शन का जो भय था उसको मैं बेस्ट राकेश झुंझुनवाला जी के शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 2021 के बाजार में भी जब समझ के बाहर इंडेक्स बढ़ रहा था, पैटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी इंडेक्स बढ़ रहा है, एंड बड़ा यूजफुल और इंसाइटफुल उनका एक स्टेटमेंट था कि ये रिले रेस है, जो समझ गया वो खिलाड़ी, जो नहीं समझा वो अनाड़ी। तो करेक्शंस आ रहे हैं, सारे स्टॉक्स लार्ज कैप्स बहुत हेविली ओवरबॉट है, बट टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर्स में करेक्शन आ जाता है, दूसरा कोई सेक्टर संभाल लेता है। जैसे आपका आईटी बुरी तरह उछल गया लास्ट 3 दिन में, पूरे इंडेक्स कलर चेंज कर दिया आईटी ने, तो एक तरफ वो चीज। और अगर कल को 10-12% का अगर निफ्टी में करेक्शन आ भी जाएगा, तो जो दूसरी बात वो हमेशा कहते थे, तेजी में सबका बोलबाला, मंदी में सबका मुंह काला, मतलब कोई शॉर्ट कर भी लेगा तो कोई 100% शॉर्ट सेलर तो अपने करियर के बिगिनिंग में हो सकता है। जिसने थोड़ा बहुत भी वेल्थ अक्यूमुलेट किया है वो अपने टोटल पोर्टफोलियो का 20% शॉर्ट कर लेगा, 30% शॉर्ट कर लेगा, 50% कर लेगा, तब भी बाकी 50% माल में तो मार खाएगा। तो फायदा सबका तेजी में ही है, चल रही है तो चलाते रहिए। और अगर हमें इंडेक्स के अंदर एंट्री एग्जिट्स पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो मच मोर एफिशिएंटली कैपिटल 3x, 4x, 5x रिटर्न्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में दे रही है, उनमें लगे हुए हैं। पर अगर अगर ये वन वे रैली है भी तो बस सबका अपना अपना सिलेक्शन है, जिसका जिस पे हाथ बैठ जाए। हमारा बेटर बैठ रहा है बी ग्रुप के स्टॉक्स पे, वहाँ रिवॉर्ड रिस्क भी ज्यादा मिल रहा है, और टाइम टू टाइम जो सेक्टोरल करेक्शन आएंगे उनमें शॉर्ट में भी पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए तो मार्केट की बात होगी, स्टॉक्स में इस समय कहाँ दाम लगा रहे हैं आप फिर सुशील जी? आपकी आवाज नहीं आ पाई आखिरी लाइन। स्टॉक्स में इस समय आपकी बिग कॉल्स क्या होंगी? तो देखिए अगर आप बीएससी की तर्ज पे, क्योंकि हर बार बीएससी की बात उठती, इस बार आपके बजाय मैंने उठा ली, तो अगर मेरी स्क्रीन पे ये सारेगामा की अगर चार्ट दिख पा रही है, जिस पर हमने पास में भी आपको एक बड़ा बाई कॉल दिया था यहाँ से कि 316-317 निकलेगा तो 700 की चाल शुरू हो जाएगी। 700 की चाल आने के पहले एक राउंड इसने ये जो 450-440 तक का करके छोटा सा करेक्शन दिया, अब ये स्टॉक वापस निकल पड़ा है और मुझे लगता है अब ये जो चाल शुरू हो गई है 700 के पहले रुकनी नहीं चाहिए। देखिए खाली चार्ट्स पे भी काम नहीं होता है, पीछे अंडरलाइन फंडामेंटल्स ही चार्ट्स बनाते हैं। तो बहुत कम लोग इस बारे में कोई विचार कर रहे हैं, कहीं ये बात पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। एनसीएलटी ने ऑलरेडी डीमर्जर का अप्रूवल दे दिया है और इनकी जो डीमर्ज्ड एंटिटी के अंदर में सारा का सारा डिजिटल ई कॉमर्स बिजनेस जो चला जाएगा, तो उसी बात पर ये चार्ट बनी है और उसी बात पर चार्ट के ऊपर में इस तरह की मूवमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है सारेगामा इज द नेक्स्ट बीएससी टाइप ऑफ वन वे मूवमेंट, एग्जैक्टली आइडेंटिकल वैसी चार्ट है। और फिर चाहे अब आपके देखे सनटेक रियल्टी बहुत भाग गया था, इंडिया बुल्स रियल्टी पीछे से चलना शुरू हो गया, तो रियल्टी के स्पेस में हम घूम फिर के वही दोनों तीनों स्टॉक्स में बार बार डिप्स पे बाई कर रहे हैं। करेंटली इंडिया बुल्स रियल्टी पे स्ट्रांग बाई है, और अगर अगर बाकी जितने भी हमारे जो कैश के स्टॉक्स है किसी के अंदर में भी टेक प्रॉफिट करके निकल जाने का कॉल नहीं है। 5-10% की करेक्शंस आ सकती, सब में 40-50-60% के ऊपर जगह दिखती है। विजय जी एग्जैक्टली आपका पीएसयू बैंक्स में, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक, निफ्टी इंडेक्सेस पे अपना व्यू दे चुके हैं आप, पीएसयू बैंक्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, यहां पर आपका व्यू क्या है, इस पर कैसे प्ले कर रहे हैं आप इनको? पिछली बार भी हमारी बात हुई थी कि एसबीआई की छेली चाल आखिरी चाल बची है, जो मुझे लगता है ये देखिए हम स्क्रीन पे सारे के सारे देख लेते हैं। ये देखिए एसबीआई की आखिरी अंतिम चाल आ चुकी, आज ये हैंगिंग मैन टाइप का बना रहा है, यहां से मैं लूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, इसको रिवर्सल आएगा तो शॉर्ट करेंगे, नहीं आएगा तो हो सकता है और 10-5 रुपए बढ़ जाएगा। सेम चित्र बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी है। यू नो फ्यूचर्स में जितने भी ये पीएसयू बैंक्स है इनकी हो चुकी है चाल। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट करके छोटा रिबाउंड दिया है, जिस दिन ये इस पीले सपोर्ट लाइन के नीचे चला जाएगा हम इस पर अनाउंस कर देंगे जय जय सियाराम, यानी 220 वाला 130, ये टॉप के एरिया के बाहर निकल रहा है, फाइनल कंफर्मेशन ये लाइन टूट जाए तो। कैनरा बैंक का भी पिक्चर कोई ज्यादा विचित्र अलग नहीं है। देखिए जो छोटे वाले पीएसयू बैंक है ना जो फ्यूचर्स के बाहर है, जैसे आपके सेंट्रल बैंक, इस तरह के स्टॉक्स में अभी भी हमने तेजी करी हुई है। तो कैनरा बैंक में भी यू नो यहाँ से कोई ले करके जीत जाएगा इसका पैटर्न नहीं है, ये ए वेव है या बी वेव है, थोड़ा सा और ऊपर भी चला जाएगा तो डाउनसाइड मच मोर है, अपसाइड कम है। बैंक्स प्राइवेट सारे पूरे हो गए, फ्यूचर्स में जितने भी पीएसयू बैंक है जो बड़े वाले उनकी भी चाल पूरी हो गई। अब जो बचे हैं छोटे वाले बैंक्स, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया या आपके
IDBI बैंक हो गया, और या फिर जो कंप्लीट अंडर परफॉर्मर, अगर आपके बंधन बैंक पे देखिए, अनुज का जो पुराना कंसेप्ट मार्केट प्री पोजिशनिंग, खराब रिजल्ट, हताशापूर्ण रिजल्ट, सारे ही पैरामीटर्स पे इस तिमाही के नतीजे बहुत ही निराशाजनक आए। तो भाई इस निराशा को तो बाजार ने पहले ही नाप लिया था ना, ये देखिए कैसे घटते चला गया था ये। तो पैटर्न कंप्लीट है, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड, ये करेक्शन कंप्लीट है चार्ट पर, और ये फाइव वे पैटर्न अप जो यहां से शुरू से निकला था, ये जता रहा है कि लॉन्ग टर्म बॉटम बंधन बैंक का होने के बाद अब इतने खराब रिजल्ट पे बंधन बैंक एक हायर बॉटम बना रहा है। तो दो एक दिन की बात है, जिस दिन ये 222-23 के ऊपर बंद हो जाएगा, हम इसमें 100 रुपए की तेजी का कॉल अपने क्लाइंट्स को भी देंगे, और अगर आपसे वार्ता होगी अगले मंगलवार स्टॉक पे, तब तक अगर इसके ऊपर बंद हो गया होगा। तो जो सीरियसली कंप्लीट अंडर परफॉर्मर्स हैं, सिर्फ उनमें जगह बची है, परफॉर्मर्स ने अपना सारा काम कर दिया बैंकिंग सेक्टर की, यही समरी मेरे को लगती है। फार्मा में आपका कोई चुनाव, फार्मा में ट्रेड कैसे कर रहे हैं? बायोकॉन आपकी कॉल थी 268 पे, इस दौर के हाईएस्ट रेट पे जोन पे ट्रेड कर रहा है, और कोई ट्रेड भी आपका फार्मा में? तो बायोकॉन में 550-600 का भाव आने तक हम उसका भाव नहीं देखेंगे, 10-20 रुपए की परवाह करेंगे, 300 रुपए की तेजी छूटेगी, लगेगा 1.5 साल। छोटे वाले शिल्पा मेड केयर, बायोकॉन, ये जितने भी छोटे वाले सारे स्टॉक्स हैं फार्मा में, वो हम सब बरकरार रहेंगे, और लार्ज कैप्स डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, इनको जब जब इंडेक्स के साथ कोई सेल सिग्नल आएगा, या आपका इवन डीवीज लैब, इनको हम शॉर्ट सेलिंग में यूज करेंगे, लार्ज कैप्स को शॉर्ट सेल करेंगे, और स्मॉलर एंड मिड कैप फार्मा स्टॉक्स को हम दबोच के बैठे रहेंगे। अच्छा, आईटी में एक बड़ी तेजी शुरू हुई है पिछले कुछ दिनों में, और खराब नंबर्स के बावजूद स्टॉक्स चल रहे हैं, यहाँ पर कोई पिक्स आपकी? क्योंकि यहाँ पर अगेन शायद वैल्यूएशन कंफर्ट भी है तो स्टॉक्स चल रहे हैं, लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू होगा? अनुज, अपनी बात कई बार हो गई इस बारे में, आपने बहुत ही बढ़िया, आपकी एक एडिटर्स राउंड टेबल मैंने देखी थी कहीं ट्विटर पे या यूट्यूब पे, जहां आपने इंफोसिस के बॉटम को बड़े आपने अलग तरीके से पकड़ा था, और उसके बाद से आपकी मेरी करीब करीब एक सहमति है कि कुछ भी हो जाए, बाकी किसी भी स्टॉक को हम बेच ले, हम ये आईटी के स्टॉक्स को नहीं बेचेंगे। हमारी इंफोसिस में यहाँ पे भी बात हुई, यहाँ पे भी। तो अब ये जो इतना बड़ा फ्लेयर अप आ गया, आप देखो RSI ओवरबॉट हो गया, जिगरा करके लेने का टाइम यहाँ पे था 1267 में, यहाँ लेकिन न कोई बहादुरी है न कोई समझदारी है। इनको हम टेक प्रॉफिट करने के लिए, आप कोई भी अपनी ट्रेंड लाइन यूज कर लो, जो भी एक तरीका है, अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को बचाना है, हर भाव पे लेते नहीं जाना है, और टेक प्रॉफिट हो भी जाएगा तो वापस हम पुल बैक में, मेरे को 1320 की इंफोसिस में फॉर एग्जाम्पल मंदी नहीं लगती है, और अगर मेरी लिवरेज पोजिशन है तो मैं आज के लो के नीचे बंद हो जाएगा तो हम एक बार स्क्वायर ऑफ कर देंगे, बट पुल बैक में लेना है। वही पिक्चर TCS का, वही पिक्चर विप्रो का है, विप्रो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। तो लार्ज कैप आईटीज को हमने बेचना ही नहीं है, जो है टेक प्रॉफिट करेंगे, फिर से नीचे घुस जाएगा। विप्रो में देखिए पूरा कंप्लीट पैटर्न हो गया, तो हो सकता है अगले करेक्शन में विप्रो 420-425 वाला एक बार 375-380 भी आ जाएगा। तो शॉर्ट करने का काम खतरनाक इसलिए इनमें कि कोई शास्त्र में थोड़े लिखा है कि ये प्रोजेक्शन को, इस टारगेट को, स्टॉक को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। ये टारगेट एनालिस्ट का टारगेट है, जो दिन भर रॉन्ग होते रहते हैं, सारे लोग रॉन्ग होते हैं। तो टारगेट के हिसाब से आप शॉर्टवर्ड हर चीज को शॉर्ट नहीं कर सकते। बड़ी चाल है ऊपर में, जिसका सूचक है कि ये फाइव वेव पैटर्न बन गया। इस तरह के स्टॉक्स को लो, प्रॉफिट खाओ, साइड हट जाओ, फिर नीचे आएंगे दोबारा लो, इनको शॉर्ट्स नहीं कर सकते। तो आई मेंटेन कंटिन्यूअसली आईटी को शॉर्ट करने का समय गया, ये कंप्लीट अंडर परफॉर्मर अब आगे का आउट परफॉर्मर है, और जो ऑटो और बैंक्स जो सीवियर आउट परफॉर्मर्स हैं, आगे पीछे साइकिल घूमेंगी, वो अंडर परफॉर्मर बनेंगे। ओके, अच्छा चलिए, एक और लास्ट सवाल मेरी तरफ से, आईटीसी इस पर क्या व्यू होगा इस समय सुशील? देखिए आईटीसी ने सबका धुआं निकलवा दिया है, पहले 200 के भाव में निकलवाया कि चलता ही नहीं था, मीम पे मीम बन गई। तो इसको देखिए, हम पहले दौर में ऊपर चढ़ने के दौर में काफी हद तक अच्छे राइट हुए थे, और उसके बाद से जब भी इसको हमने बेच के लेने की ट्राई की है, इसमें हाथ सौदा बैठ नहीं रहा है। अभी भी ये देखिए जो बहुत माइल्ड करेक्शन है, तो आईटीसी को क्या है कि यहां से बेच के सौदा फल नहीं रहा है और लेने की इस भाव में हिम्मत नहीं हो रही है। पर अगर किसी को प्योर भाव से ही काम करना है, चार्ट से ही काम करना है, तो अगर ये 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 कल के हाई के ऊपर अगर निकल जाएगा तो आईटीसी फिर वापस एक न्यू ऑल टाइम हाई मारेगा। तो जो बिल्कुल इनोसेंट होके भाव का सौदा कर सकते हैं, आईटीसी में अभी बेच के कमाने का चार्ट और ऐसा रुख बना नहीं है, तो भाव के साथ चलना है। तो कल के हाई के ऊपर जाए तो वापस लीजिए, वापस हो सकता है 510-15 तक भी दिख जाए तो बड़ी बात नहीं, पर हम आईटीसी से दूर रहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट स्टॉक है। ओके सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया।